प्यार के रिश्तों में जब शक पनपने लगता है तो वो कितना घातक होता है वो आपने कभी ना कभी देखा होगा, सुना होगा या एक्सपीरियंस भी किया होगा। पर जब ये शक हकीकत का रूप ले लेता है तो इतना जहरीला हो जाता है कि ना केवल आपके मन के बल्कि आपके शरीर के भी अनगिनत टुकड़े कर देता है। एक आदमी का उसने खून करवाया है, किया है, रिस्पॉन्सिबल है। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे, सच्ची घटना पे आधारित नीरज ग्रोवर की कहानी। जेरोम मैथ्यू मैसूर कर्नाटका में रहने वाला एक होनहार और होशियार बच्चा जिसके घर में उसके माता पिता और छोटा भाई, आर्थिक स्थिति काफी कमजोर, स्कूल में उसकी दोस्त मारिया सुसीराज जो फिनेंशियली काफी संपन्न थी और वो अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में बनाना चाहती थी। दोनों की स्कूल की दोस्ती कॉलेज तक पहुंचती है और दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। विलियम का सिलेक्शन एनडीए में हो जाता है और वहीं पर मारिया अपना करियर कन्नड़ फिल्म में चालू करती है। कुछ खास प्रोग्रेस उसे नहीं मिलती है पर फिर भी वो लगातार उसमें कोशिश बनाए रखती है। इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मारिया को एक दिन जेरोम पे शक होता है कि वो उसे चीट कर रहा है, इसीलिए वो अपने सोर्सेस से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते और उसे पता चलता है कि जेरोम के साथ उसकी बैचमेट दीपिका के साथ वो डेट कर रहा है। इसीलिए एक दिन वो होटल में दीपिका और जेरोम दोनों को ही बुलाती है और जेरोम का भांडा फूट जाता है। और उस समय मारिया को ये पता चलता है कि जेरोम लगभग 1.5 साल से दीपिका से डेट कर रहा था और जेरोम और मारिया के बीच में उनका डेटिंग पीरियड लगभग सिर्फ 6 महीने का ही था। फिर भी जेरोम अपनी गलती मानता है और दीपिका को डंप करके मारिया के साथ आगे रिश्ते बनाने का वो प्रॉमिस करता है। वो ये भी प्रॉमिस करता है कि वो आगे जीवन में उसे कभी चीट नहीं करेगा। मारिया जेरोम को माफ़ कर देती है पर इस रिश्ते से जेरोम के माता पिता खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि जेरोम और मारिया की शादी हो क्योंकि उनका मानना था कि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति भी उनके मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। शादी करने से पहले ये दोनों अपने अपने करियर में सेटल होना चाहते थे, इसीलिए जेरोम अपनी पोस्टिंग के लिए केरला कोचीन पहुंच जाते हैं और वहीं पे मारिया 2007 में मुंबई की तरफ बढ़ती है, यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। पर मुंबई नगरी इतनी आसान नहीं है, इसीलिए सेम स्ट्रगल मारिया को भी होती है। एक तो वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से थी, इसीलिए उसे हिंदी बोलने में भी काफ़ी तकलीफ होती थी, पर लगातार ऑडिशन देने के बाद उसे किसी भी प्रकार की सक्सेस नहीं मिलती है। और एक दिन ऑडिशन के दौरान उसकी मुलाकात कास्टिंग डायरेक्टर नीरज ग्रोवर से होती है। नीरज मुंबई के प्रोडक्शन हाउस में एक टेलीविजन एग्जीक्यूटिव थे और उन्होंने क्या आप 5वीं क्लास से तेज हैं इस शो में भी काम किया था जिसे शाहरुख खान ने होस्ट किया था, इसीलिए उनका कद बढ़ गया और उन्हें कास्टिंग के भी काम मिलने लगे। ऐसी ही एक शो की कास्टिंग के दौरान इनकी मुलाकात मारिया से होती है क्योंकि मारिया कन्नड़ मूवी से बिलोंग करती थी, इसीलिए उसकी हिंदी काफ़ी कमज़ोर थी। नीरज मारिया से कहता है क्योंकि उसकी हिंदी अच्छी नहीं है इसीलिए इस शो में उसका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। पर मारिया भी उस समय नीरज का नंबर लेके वहाँ से चली जाती है और बाद में वो नीरज के टच में रहती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और नीरज भी लगातार उसे ऑडिशंस पे बुलाता रहता है। मारिया अपनी स्ट्रगल लाइफ और नीरज से दोस्ती की हर चर्चा अपने बॉयफ्रेंड जेरोम के साथ करती थी और काफ़ी महीनों के भटकने के बाद वो मलाड वेस्ट में एक 1 BHK का रूम रेंट पे ले लेती है और 6 मई 2008 को वो लगभग 9:30 बजे नीरज को फ़ोन करके घर शिफ्ट करने के लिए उसकी हेल्प मांगती है और नीरज 10 बजे उसके घर पे पहुंचता है और 10:30 बजे जेरोम का फ़ोन मारिया के नंबर पे आता है। और मारिया जब जेरोम से बात करती है तो नीरज इस बात से अनजान था कि मारिया किससे फ़ोन पे बात कर रही है और वो फ़ोन पे इंटरप्ट कर देता है। जेरोम जब नीरज की आवाज़ सुनता है तो मारिया से पूछता है कि आखिर इतनी रात को घर पे कौन है। मारिया बताती है कि नीरज
घर पे आया हुआ है क्योंकि वो उसकी हेल्प कर रहा था शिफ्टिंग के लिए। तो जयराम थोड़ा नाराज़ होता है और उससे कहता है कि जल्दी घर शिफ्ट करवा के उसे घर से रवाना करो और इंश्योर करो कि वो रात को तुम्हारे साथ ना रुके। जयराम फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है पर उसके मन में शक बैठ जाता है और वो काफ़ी बेचैन हो जाता है। और अगले दिन यानी कि 7 मई 2008 नीरज की माँ उसे फ़ोन लगाती है, पर लगातार फ़ोन लगाने पर नीरज जब फ़ोन नहीं उठाता है तो नीरज की माँ नीरज के दोस्तों से कांटेक्ट करती है, पर नीरज के दोस्तों को भी नीरज के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। अगले दिन 8 मई 2008 को नीरज की माँ, उसके पिता और उसका कज़न निशांत तीनों ही मुंबई की पहली फ्लाइट लेके मुंबई पहुँच जाते हैं और वो पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं। और 9 तारीख को उनके पेरेंट्स यानी कि नीरज के पेरेंट्स राकेश मारिया जॉइंट कमिश्नर से मिलते हैं। 12 मई 2008 को मारिया नीरज के दोस्त को कांटेक्ट करती है और बताती है कि नीरज का फ़ोन उसके पास है क्योंकि 6 तारीख को नीरज उसके घर शिफ्टिंग के लिए उसके घर पर आया था और घर पर ही वो फ़ोन भूल गया। इसके बाद वो नीरज के दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन भी जाती है और मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाती है और पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि इसे हाई प्रायोरिटी पे डील किया जाए। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और छानबीन के दौरान मारिया को ही प्राइम सस्पेक्ट बनाती है क्योंकि नीरज लास्ट टाइम मारिया के साथ ही पाया गया था और उसकी लास्ट लोकेशन भी मारिया के घर के पास ही थी। और जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है तो मारिया लगभग 10 दिन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ देती है क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट जाती है और पूरा मामला पुलिस के सामने रख देती है। मारिया पुलिस को बताती है कि उसकी 6 तारीख को आखिरी बार जयराम से फ़ोन पे बात हुई और जयराम ने नीरज को घर पे ना रुकने के लिए कहा था, फिर भी वो नीरज को घर पे रोक लेती है। और अगले दिन यानी कि 7 तारीख को सुबह सुबह उसकी डोरबेल बजती है और लगातार डोरबेल बजती है और वो नींद में उठ के जब दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने जयराम खड़ा रहता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जयराम मारिया को पुश करता है और कमरे की तरफ बढ़ता है और कमरे में वो नीरज को आपत्तिजनक स्थिति में देख के आग बबूला हो जाता है और वो नीरज को लगातार मारने लगता है और नीरज भी अपने बचाव में जयराम पे हमला करता है। ये दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मारपीट होने लगती है कि मारिया बीच बचाव में आ जाती है और जयराम उसे भी धक्का दे देता है और फिर बाद में किचन में जाके चाकू लेके आता है और नीरज के पेट में लगातार वार करता है और इतनी बार वार कर देता है कि वहीं पर नीरज अपना दम तोड़ देता है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नीरज की जान लेने के बाद जयराम और मारिया ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाया और उसके बाद में ये तय किया कि आखिर बॉडी को कैसे डिस्पोज करना है। और लगभग 10 बजे मारिया अपने नज़दीकी मॉल में जाके कर्टन्स, कुछ बड़े चाकू और 2 एयरबैग लेके आती है और बाद में ये दोनों मिलके बाथरूम में नीरज के लगभग 100 टुकड़े करके बैग में भर के पैक कर देते हैं। और दोनों ही बैग को ठिकाने लगाने के लिए दोनों महाराष्ट्र के मनोर इलाके में ले जाके पेट्रोल से नीरज के शव के टुकड़ों को जला देते हैं। और लगभग शाम के वक्त ये दोनों घर वापस आते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद जयराम कोची के लिए वापस निकल जाता है। मारिया पुलिस को ये भी बताती है कि जयराम ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी और धमकी भी दी थी कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगी तो वो उसकी भी जान ले लेगा। पुलिस मारिया को गिरफ्तार कर लेती है और जयराम को कोची से गिरफ्तार करती है। ट्रायल शुरू होते हैं और 2011 में यानी कि लगभग 3 साल के बाद कोर्ट जयराम को 10 साल की सज़ा सुनाती है और वहीं पर मारिया को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 3 साल की सज़ा मारिया ऑलरेडी काट चुकी होती है इसीलिए उसे रिहाई मिल जाती है। और 2018 में मारिया फिर मीडिया की सुर्खियों में आ जाती है क्योंकि उसके अगेंस्ट मल्टीपल फ्रॉजरी केस रजिस्टर किए गए थे। जयराम और मारिया एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, फिर भी इन दोनों ने एक दूसरे के साथ छल किया जिसके परिणाम स्वरूप नीरज ग्रोवर ने अपनी जान गंवाई। पर नीरज के माता पिता को जो दुख हुआ, जो तकलीफ हुई, उनके कष्टों के लिए जिम्मेदार कौन? नमस्कार।